जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी, बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। चलो, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि काफी सारे भक्तों के मेडिकल होने शुरू हो गए हैं और मंडे से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन भी और बैंक में भी। तो काफी सारे भक्तों के कॉल आ रहे हैं कि बाबा जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसकी कोई वीडियो है तो हमें बना के दे दीजिए। तो अभी इस बार की तो वीडियो बन के आई नहीं है, लेकिन शायद लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की वीडियो हमने बनाई थी, हम वो आपको शेयर कर रहे हैं। आप उस वीडियो को एक दो बारी देख लीजिए और उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ऑनलाइन हो सकता है। इस बार कुछ चेंज कर दिया हो, एक दो चीजें चेंज कर दी हो, तो जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई वीडियो होंगी ना हमारी पिछले दो सालों की, तीन सालों की, वो हम अभी कंटिन्यू एक दो दिन में अपलोड कर देंगे। आप उन वीडियो को देखिएगा, उससे मिलता जुलता ही रजिस्ट्रेशन का होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। तो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं पुरानी, आप उनको देख लीजिएगा। अगर इस बार कुछ नया चेंज होता है तो फिर हम अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको वीडियो शेयर कर देंगे, ताकि सभी भक्त आगे की वीडियो देख के अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। या कोई और भक्त को मालूम पर इतना कोई और कर नहीं पाएगा, वीडियो तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो हम पुरानी वीडियो जितनी भी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो अभी अपलोड कर रहे हैं, पर पुराने सालों की हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक सैंपल या एग्जाम्पल मान लीजिए आप तौर पर, ताकि जो नए यात्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके थोड़ी हेल्प हो जाए कि किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम पुरानी वीडियो भी पिछले 4-5 दिनों में अपलोड करेंगे और हर वीडियो के आगे ये रिकॉर्डिंग होगी, जिससे कि भक्त समझ ले कि पुरानी रिकॉर्डिंग है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुझे इस तरह से करना है। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी शेयर की थी, उस वीडियो का लिंक हम आप सभी के साथ यहाँ ऊपर आई बटन में भी शेयर कर रहे हैं, अथवा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को OTP के द्वारा वेरीफाई किया और एप्लीकेशन ट्रैक करने पर उस समय हमारी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस आ रही थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ दिनों बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से हमें इस तरह का एक मैसेज और मेल प्राप्त हुआ कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है, आप अगले 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर लीजिए। भक्तों, आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि ये मैसेज आने के बाद 24 घंटे के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन श्राइन बोर्ड द्वारा कैंसिल कर दी जाएगी, इसीलिए आप अपने इनबॉक्स व मेल को चेक करते रहें, जिससे कि आप समय से पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर पाएं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मैसेज आने के बाद आपको पेमेंट कर अपना यात्रा परमिट कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.sriamarnathjishrine.com को ओपन करेंगे, उसके बाद क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट ओपन हो गई है। यात्रा परमिट डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर या ऊपर रजिस्टर में दिए गए डाउनलोड यात्रा परमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों में से आप जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक सेम वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यात्री एप्लीकेशन नंबर में आपको वो एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से आपके मैसेज व मेल पर रिसीव हुआ था। मोबाइल नंबर में वो नंबर टाइप करना है जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था और जिस पर श्राइन बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी SMS व OTP आपको प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर दिए गए कैप्चा को टाइप कर आप आई एग्री दैट आई विल रिपोर्ट टू द कैंप डायरेक्टर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स
पर टिक करने के बाद डाउनलोड परमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद साइड में आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये वेब पेज देख सकते हैं जिसमें ऊपर लिखा है कि पेमेंट करने से पहले आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए और पेमेंट करते समय पेज को रिफ्रेश न करें। यहाँ पर एप्लीकेशन और मोबाइल नंबर आपका पहले से ही लिखा हुआ है। कैप्चा एंटर करने के बाद आप वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको यात्री की डिटेल्स दिख जाएंगी और आप परमिट डेट व रूट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से कैप्चा एंटर कर आप आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ कंडीशंस पर टिक कर पे यूजिंग में से HDFC और ICICI में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर पे विथ में से आप जिस भी बैंक के डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक कर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपकी पेमेंट प्रोसेस हो रही है। इस समय पर आप इस पेज को रिफ्रेश ना करें। आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, आप वो OTP यहाँ पर एंटर कर मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी। आप क्लिक हियर टू डाउनलोड परमिट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपका यात्रा परमिट शो हो रहा है। अब आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंट से आप सेव एज PDF ऑप्शन, पेजेस ऑल व लेआउट में से लैंडस्केप सेलेक्ट करें। यदि आप पोर्ट्रेट मोड में सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि परमिट का तीसरा हिस्सा क्रॉप हो रहा है, इसीलिए सेव करते समय आप लेआउट लैंडस्केप ही रखें। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप साथ साथ इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं या फिर आप किसी साइबर कैफे से अपना यात्रा परमिट का प्रिंटआउट ले सकते हैं। जिन भी भक्तों के मन में ये सवाल है कि क्या हर बार यात्रा परमिट डाउनलोड करने के लिए हमें पेमेंट करना होगा, उन सभी को हम जानकारी देना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है, उसके बाद आप जब और जितनी बार चाहें अपने परमिट को डाउनलोड कर सकते हैं। परमिट फीस बस आपको एक बार ही पे करनी है। तो भक्तों, आपको अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कैसे करना है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से ज्ञात हो गया होगा। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी भक्तों को हम बताना चाहते हैं कि जो भी भक्त अपना ऑनलाइन परमिट बनवा रहे हैं, कृपया वो सभी यात्रा के समय अपने परमिट की लेमिनेशन करवा के न ले जाएं, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार जिन भी भक्तों ने ऑनलाइन परमिट बनवाए हैं उस पर कैंप डायरेक्टर द्वारा स्टैम्प व सिग्नेचर किए जाएंगे। यदि आपका पहलगांव रूट का परमिट है तो पहलगांव में कैंप डायरेक्टर द्वारा स्टैम्प व साइन किए जाएंगे और यदि बालटाल का है तो बालटाल बेस कैंप डायरेक्टर द्वारा। इसीलिए आप सभी ऑनलाइन परमिट के प्रिंटआउट को लेमिनेशन न करवाएं। साथ ही आप सभी इस बात को लेकर परेशान न हों कि हमें बैंक से अपने ऑनलाइन परमिट पर साइन और स्टैम्प तो नहीं लेने हैं। हम आप सभी को अपनी जानकारी के अनुसार बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन परमिट को लेकर जो भी सिग्नेचर व स्टैम्प की जो भी औपचारिकताएं होंगी वो यात्रा के समय पर ही की जाएंगी। बस आप सभी ये अवश्य ध्यान रखें कि आप परमिट की प्रिंट कॉपी के साथ अपना ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपने परमिट अप्लाई करते समय अपलोड किया था उसकी ओरिजिनल कॉपी और एक ओरिजिनल फ़ोटो ID प्रूफ अपने साथ लेकर ज़रूर जाना है। बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी अपडेट व गाइडलाइंस आएंगी हम आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए जो भी आवश्यक प्रोसेस है उनके लिंक्स हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, आप वहां से वो लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पाने के लिए कृपया आप स्क्रीन पर दिखाई जा रही श्राइन बोर्ड के नंबर्स पर कॉल या दी जा रही ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। भोले बाबा जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भोले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।